हे गाइज़ वेलकम टू माय चैनल तरुण सर सो so गाइज़ आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना बड़ी ही क्लासिकल प्रॉब्लम है और बड़े ध्यान से समझना है क्योंकि आगे यही जो कॉन्सेप्ट है मर्ज सॉर्ट में भी यूज़ होता है सो आइए गाइज देखते हैं मर्जिंग का कॉन्सेप्ट क्या है तो बेसिकली जब हम दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करें तो हमारे पास दो एरेज होंगे लाइक फर्स्ट एरे हमारा ए वन ओके और इसका कुछ ना कुछ साइज़ होगा लाइक सपोज ये हमारे पास में पाँच एलिमेंट का है तो इसका जो साइज़ हो गया वो हो गया हमारे पास फाइव दूसरा हमारे पास एक एरे होगा ये जरूरी नहीं है कि दोनों एरेज का साइज इक्वल हो अन साइज हो सकता है जैसे सपोज मैंने जो सेकेंड एरे है ये ले लिया मैंने छः एलिमेंट्स का ठीक है नाउ इनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज़ होंगी दोनों एरेज में लाइक like मैंने इसमें कहा दो पाँच नौ तेरह और इक्कीस है एंड सिमिलरली ए टू जो है उसके अंदर हमारे पास पड़ा है एक चार आठ सात सात नहीं आ सकता सॉरी सॉर्टेड ऑर्डर में होगा क्योंकि पार्डन में दस बारह चौदह ठीक है इस तरीके से हमारे पास ये एरेज हैं। अब हमारे पास एक तीसरा एरे होगा लाइक मैंने कहा ए थ्री है हमारे पास ठीक है ए थ्री का जो साइज़ है वो इतना बड़ा होना चाहिए कि इन दोनों एरेज के एलिमेंट उसमें अकोमोडेट कर सकें रख सकें हम लोग जैसे हमारे पास फर्स्ट जो एरे था इसका साइज था पाँच सेकेंड एरे का साइज था हमारे पास छः तो जो हमारा ए थ्री होगा उसका साइज कितना हो जाएगा हमारे पास ग्यारह ठीक है पाँच प्लस छः ग्यारह सो दिस विल बी अवर थर्ड एरे जिसमें ग्यारह एलिमेंट अकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग ग्यारह एलिमेंट्स रख सकते हैं ना सो so, ये एरे बना देते हैं टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ओके सो अच्छा मैं इंडेक्सिंग भी कर देता हूँ यहाँ पे जीरो इंडेक्स ये फर्स्ट इंडेक्स ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ एज ही सेकंड एरे में जीरो इंडेक्स वन इंडेक्स टू इंडेक्स थ्री इंडेक्स फोर इंडेक्स और फाइफ इंडेक्स एंड जो थर्ड एरे है इसके अंदर हो जाएगा जीरो इंडेक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन अच्छा कैसे हमें करना क्या है हम ना यहाँ पर टू पॉइंटर अप्रोच का यूज़ करेंगे एक हम इंडेक्स नंबर इंडेक्स यूज़ कर लेंगे आई इंडेक्स वेरिएबल एक हम जे यूज कर लेंगे आई इनिशियली किसको डिनोट कर रहा है फर्स्ट एरे के अंदर जीरो इंडेक्स के एलिमेंट को जे किसको डिनोट कर रहा है सेकंड एरे के अंदर जीरो एलिमेंट को ओके okay? एक हम यूज करेंगे के जो थर्ड एरे के अंदर इंडेक्सेस को डिनोट कर रहा है नाउ सिंपली हमें करना क्या है गाइज़ ए वन के आई थिंडेक्स वाले एलिमेंट को कंपेयर करेंगे हम ए टू के जे थिंडेक्स वाले एलिमेंट के साथ तो ए वन के आई पर जो वैल्यू पड़ी हम उसको चेक करेंगे ए टू के जे से छोटी है क्या अगर वो वैल्यू छोटी है तो ए वन के आई की वैल्यू ए के पे हम डालेंगे आई और के दोनों को इनक्रीज कर देंगे और अगर छोटी नहीं है तो ए टू के जे की वैल्यू हम ए के पे डालेंगे जे और के को इंक्रीज कर देंगे सो तो गाइज़ यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले ए वन का आई क्या है हमारे पास 2 छोटा है क्या a2 के j से नहीं है तो हम a2 के j को असाइन करेंगे a3 के k पे तो यहाँ पे सिंपली गाइस क्या डाल देंगे हम लोग अह पे डाल देंगे हम 1 अब k हमारा एक से आगे बढ़ जाएगा k will be 1 और j भी हमारा एक से आगे बढ़ जाएगा तो j will also be 1 ओके नाउ फिर हम क्या करेंगे i और j को अगेन हम कंपेयर कर लेंगे सो so, ए वन के आई पे हमारे पास क्या पड़ा है टू पड़ा है और ए टू के जे पर क्या पड़ा है हमारे पास फोर पड़ा है राइट right? इन दोनों में से छोटा कौन सा है ए वन का आई छोटा है तो यहां पे हम क्या स्टोर करवा देंगे टू एंड आई को भी इंक्रीज कर देंगे और के को भी इंक्रीज कर देंगे ठीक है नाउ इसके बाद में अगेन हम ए वन के आई को कंपेयर करेंगे ए टू के जे के साथ ए वन के आई पे पड़ा है हमारे पास पांच ए टू के जे पर हमारे पास पड़ा है चार तो क्या ए वन का आई छोटा है ए टू के जे से नहीं है तो ए टू के जे को असाइन करेंगे सो हियर इट विल बी फोर देन हम के को एक प्जिशन आगे बढ़ा देंगे जे को भी एक प्जिशन आगे बढ़ा देंगे अगेन ए वन के आई को कंपेयर करेंगे ए टू के जे के साथ तो ए वन का आई यहाँ पे स्टोर हो जाएगा दैट इज फाइव नाउ आई को आगे इंक्रीज कर देंगे और के को भी आगे इंक्रीज कर देंगे इसके बाद में अगेन ए वन के आई को कंपेयर करेंगे ए टू के जे के साथ तो ए वन का I ये है अपने पास नाइन ए टू का जे हमारे पास एट तो ए टू का जे छोटा है दैट्स वाई ए टू के जे को स्टोर कर देंगे दैट इज एट नाउ जे को इंक्रीज कर देंगे और के को भी इंक्रीज कर देंगे अगेन ए वन के आई को कंपेयर हम कंपेयर कर लेंगे ए टू के जे के साथ में तो क्या ए वन का आई छोटा है बिल्कुल है तो ए वन के आई को स्टोर कर देंगे यहाँ पे, आई को एक से इंक्रीज कर देंगे और के को भी एक से इंक्रीज कर देंगे इसके बाद में फिर से वही ए वन के आई को ए टू के जे से कंपेयर करेंगे तो क्या ए वन का आई ए टू के जे से छोटा है नहीं है तो क्या करेंगे ए टू के जे को स्टोर कर देंगे दैट इज टेन J को इंक्रीज कर देंगे और इधर हम के को भी इंक्रीज कर देंगे इसके बाद हम क्या करेंगे ए वन के आई को कंपेयर करेंगे ए टू के जे के साथ तो क्या ए वन का आई छोटा है नहीं है तो ए टू के जे को हम डालेंगे दैट इज ट्वेल्व अब के को एक आगे बढ़ा देंगे j को भी एक पोजीशन आगे बढ़ा देंगे a1 का i कंपेयर हो जाएगा a2 के j के साथ में क्या a1 का i छोटा a2 के j से बिल्कुल है तो यहाँ पे आ जाएगा 13 नाउ k एक से आगे बढ़ जाएगा ठीक है और i भी एक से आगे बढ़ जाएगा अब i और j अगेन कंपेयर हुए क्या a1 का i छोटा a2 के j से नहीं है तो a2 के j को हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे दैट इज 14 अब j आगे बढ़ेगा तो j क्रॉस कर जाएगा किसको a2 के साइज को ठीक है ए टू के साइज को क्रॉस कर गया है ना दैट फर्स्ट एरे हमारा कंप्लीट हो गया है इसमें कुछ नहीं बचा है तो हम क्या करेंगे जो बचा हुआ एरे होगा ना बचे हुए एरे के सारे एलिमेंट्स इसमें कॉपी करवा देंगे तो अभी एवन के अंदर एलिमेंट्स बचे हैं तो एवन के अंदर क्या है हमारे पास में ट्वेंटी वन पड़ा है ट्वेंटी वन को यहां पर डाल देंगे एंड ये आई भी एक आगे बढ़ जाएगा अब होगा बच्चों यही हमेशा कि दोनों में से किसी एक एरे में एलिमेंट बचे होंगे ठीक है तो आइए इसको हम कोड करते हैं देन उस कोड को भी ड्राई रन करके देखेंगे सो लेट्स डू इट मैं डेवलपर सी प्लस पर शुरू करता हूँ एंड हैश इनक्लूड बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं हमारे प्रोग्राम का ठीक है और इसको एक फंक्शन से बना देंगे सिंपली हम लोग एक फंक्शन बना के कर देंगे ना तो एक इंटीज़र ले लिया मैंने एरे ले लिया एवन जिसका साइज मैंने सपोज रख दिया है फोर या फाइव ही रख देते हैं जो हमने एग्जाम्पल में ले रखा है ठीक है एक हमने ए टू ले लिया जिसका साइज हमने रख दिया सिक्स ठीक है और एक हमने ए थ्री ले लिया जिसका साइज हो जाएगा प्लस नाउ okay? सबसे पहले हम यूजर से इनपुट ले, ले लेते हैं वैल्यूज ठीक है गाइस या इनपुट लेने की बजाय एक काम करते हैं हम डायरेक्टली सॉर्टेड ऑर्डर में असाइन कर देते हैं लूप चला के इनपुट तो आप ले ही लोगे आई बिलीव सो हमने यहाँ पे ले लिया टू फाइव सिक्स नाइन और फिफ्टीन एंड इधर ए टू में हमने ले लिया वन थ्री फोर सिक्स सेवन एट एलेवन ठीक है तो so, ये वैल्यूज़ हमारे पास स्टोर हैं अब ए थ्री पे हमें मर्जिंग करनी है तो मर्ज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं एक फंक्शन बना देते हैं मर्ज नाम का ठीक है यहां पे हम भेज देते हैं ए वन को ए टू को और ए थ्री को साथ में हम ए वन का साइज भी भेज देते हैं और ए टू का साइज भी भेज देते हैं ठीक है सो ये हमने कर दिया नाउ मर्ज फंक्शन हम लिखेंगे लेकिन मर्ज फंक्शन लिखने से पहले हम क्या करते हैं यहां मर्ज करने के बाद में एरे को प्रिंट करा देते हैं थर्ड एरे को सो आफ्टर मर्जिंग थर्ड एरे कंटेन्स ओके एक हमने लूप सेटअप कर दिया आई बराबर जीरो से आई लेस देन फाइव प्लस सिक्स दैट इज अलेवन आई प्लस प्लस और यहाँ हम क्या करते जा रहे हैं प्रिंट करवाते जा रहे हैं ए थ्री के आई थे ओके सो बेसिक तो आई होप सो कि आप लोगों को लूप चला करके प्रिंट कराना और ये सब आता होगा और आना भी चाहिए अगर ये नहीं आता है तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी नाउ वाइड मर्ज फंक्शन हमने डिफाइन किया ठीक है मर्ज फंक्शन में हमने पहला ले लिया ए आर आर वन दूसरा हमने ले लिया ए आर आर टू और सिमिलरली तीसरा हमने ले लिया ए आर आर थ्री ओके okay? और एक हमने ले लिया एस वन साइज वन एक हमने ले लिया एस टू फाइन ना अभी हमने क्या करा हमने एक आई वेरिएबल ले लिया एक हमने जे ले लिया एक हमने के ले लिया ओके okay? और इसके बाद हमने आई को कर दिया इनिशलाइज ज़ीरो से जे को भी हमने इनिशलाइज कर दिया जीरो से के को भी हमने निशलाइज कर दिया है जीरो से अब गाइज हम क्या करते हैं हमने एक कंडीशन लगाई आई जब तक छोटा है साइज वन से एंड जे जब तक छोटा है साइज टू से राइट right? यही था ना देखो ठीक है ये एस वन था तो आई या तो क्रॉस हो जाएगा एस वन से या जे क्रॉस हो जाएगा एस टू से सो ये कंडीशन हमने लगा दी नाउ हमने क्या करा हमने चेक करा अगर ए आर आर वन का आई छोटा है ए आर आर टू के जे से इसका मतलब थर्ड एरे में हमें क्या डालना है ए आर आर थ्री के केथ इंडेक्स पे हमें क्या डाल देना है ए आर आर वन का आई ठीक है और हम के को प्लस प्लस कर देंगे एंड आई को प्लस प्लस कर देंगे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ए आर आर थ्री के सॉरी ए आर आर थ्री के के पे हमें क्या डाल देना है ए आर आर टू का जे और K को हम प्लस प्लस कर देंगे एंड जे को भी हम प्लस प्लस कर देंगे अच्छा इनको मैं थोड़ा छोटा करने के लिए एक लाइन में लिख देता हूं ठीक है यहां भी इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ओके अब देखिए जब लूप खत्म होएगा तो या तो i जो है वो s1 से बड़ा हो चुका होगा या सॉरी s1 के बराबर हो चुका होगा या फिर j जो है वो s2 के बराबर हो चुका होगा यानी कि या तो फर्स्ट एरे के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो चुके होंगे ए आर थ्री में या सेकेंड एरे के सारे एलिमेंट्स कॉपी हो चुके होंगे दोनों में से किसी एक एरे के एलिमेंट तो कॉपी हो ही चुके होंगे कन्फर्म है ये बात सो so, इसके बाद वापस से हमने एक वाइल लूप चला दिया लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किसके खत्म होएंगे तो सिंपली हमने आई जब तक छोटा है एस वन से अगर ये ट्रू है इसका मतलब फर्स्ट एरे में एलिमेंट बचे तो ए आर आर थ्री के के पे हमने क्या साइन कर दिया ए आर आर वन का आई और हम बढ़ाते जाते हैं किसको को आई को और के को या फिर हो सकता है कि सेकंड एरे में एलिमेंट बचे हों तो हमने चेक कर लिया जे लेस देन अगर एस टू है तो हम ए आर आर थ्री के जे पर क्या असाइन करते रहेंगे ए आर आर टू का सॉरी ए आर आर थ्री के के पर हम असाइन करते रहेंगे थर्ड एरे के लिए हम के यूज कर रहे हैं सेकंड के लिए हम जे यूज कर रहे थे एंड यहां पर हम क्या करेंगे जे को भी प्लस प्लस कर देंगे और के को भी प्लस प्लस कर देंगे ओके सो so, इसको हम सेव कर लेते हैं फाइन ये सेव हो गया Now हम इसे कर लेते हैं, कंपाइल एंड रन। दिस इज सेव्ड और कंपाइल एंड रन करके देखते हैं इसको सो so, हमने एग्जीक्यूट में गए कंपाइल एंड रन किया इसे ओके आई लजन 11 ओके okay, ठीक है आइए यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया था पार्ट डन में इट्स माई मिस्टेक नाउ इसको कंपाइल रन किया एंड दिस इज आफ्टर शॉर्टिंग 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 15 लेट्स सी इसी एग्जांपल को हम कॉपी पेस्ट करके ले चलते हैं और ड्राई रन करके देखते हैं काम कैसे कर रहा है स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को परफॉर्म करके देखेंगे तो थोड़ा स्पेसेस को मैं हटा देता हूं एक्स्ट्रा नेसेसरी स्पेस जो था हमारे पास में ओके okay. ओके फाइन एंड इस स्पेस को भी खत्म कर देता हूँ मैं थोड़ा सा सॉरी गाइस ओके हाँ फाइन अभी ठीक है ये गुड 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 नाउ इसको ले चलते हैं हम हमारे वाइट uh, बोर्ड पे है ना सो so, लेट्स डू दिस यहाँ से कोड उठाते हैं हम okay, ओके और यहाँ तक का ले चलते हैं हम हमारे करंट पेज पे, इसको भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे ले चलते हैं थोड़ा ठीक है ये प्रोसीजर जो मैंने समझाया हुआ था वो तो है ही हमारे पास में एंड इसको ऊपर ले चलते हैं नाउ हाउ दिस इज़ वर्किंग अभी देख लेते हैं वापस से इसको बना करके एकदम ये हमारा इवन बन गया पांच एलिमेंट का और पांच एलिमेंट हमने देखिए दो पांच छ नौ पंद्रह ले रखे सो दो पांच सिमिलरली हमारा ए टू ए टू है हमारा छह एलिमेंट का राइट सो ये एलिमेंट का हमने ए टू बना दिया और ए टू में हमने गाइस वैल्यू क्या ले रखी है देखो एक तीन चार छ सात आठ ग्यारह तो एक तीन चार छ सात आठ और ग्यारह एक दो तीन चार पाँच छ सात एक तीन चार छ सात आठ ग्यारह एक तीन चार छः सात आठ ग्यारह ओके एक वैल्यू एक्स्ट्रा साइन करी हुई है तो वो ले नहीं रहा है ठीक है ना डोंट वरी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ ठीक है इसको हम जाने देते हैं इसको डिस्कार्ड कर देते हैं एक बार के लिए ठीक है, नौ ए थ्री हमने बना दिया हमारा छः और पाँच ग्यारह एलिमेंट्स का सो so ये ग्यारह एलिमेंट्स का बन जाएगा ऐसे तीन चार पाँच, छ सात आठ नौ दस ग्यारह फाइन ये इंडेक्सेस होंगे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन नौ देखो, इस हमने ऑब्वियसली बात है कि मर्ज फंक्शन को कॉल किया था ठीक है ना और मर्ज फंक्शन को कॉल करके हमने क्या भेज दिया था ए आर आर वन में फर्स्ट एरे है ए आर आर टू में सेकेंड एरे है ए आर आर थ्री में थर्ड एरे है एस वन के अंदर आ गया हमारे पास पाँच एस टू में हमारे पास आ गया छः राइट यही किया हमने नाउ आई की वैल्यू हमने सेट कर दी ज़ीरो तो आई हमारा यहाँ पर आ गया इसके जीरो थ्री इंडेक्स पे ज़ीरो वन टू थ्री फोर ये आई इधर देन जे बराबर ज़ीरो करा हमने तो जे इधर ठीक है दिस इज जे ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव और ये हमारे पास में है के ये भी ज़ीरो पर सेट किया हुआ है हमने ये देखिए नाउ सबसे पहले कंडीशन चेक हुई आई लेस देन एस वन है क्या गाइस ट्रू है कंडीशन क्योंकि आई की वैल्यू जीरो है जे लेस देन एस टू है क्या ये भी ट्रू है तो आई कितना है हमारे पास में जीरो है जे कितना है जीरो है और के भी कितना है ज़ीरो है तो अभी लूप के अंदर आया यहाँ पे चेक हुआ ए आर आर वन का आई छोटा आएगा ए आर आर टू के जे से तो ए आर आर वन के आई पे क्या पड़ा है टू ए आर आर टू के जे पे क्या पड़ा है वन तो ये कंडीशन फॉल्स होगी कहाँ आएगा इस एल्स पार्ट में राइट ए आर आर थ्री के पे के के क्या डाल दिया ए आर आर टू का जे यानी ए आर आर थ्री के के पे जीरो थंड आर आर टू का जीरो डाल दिया दैट इज वन तो यहाँ क्या स्टोर हो गया वन अभी के एक आगे बढ़ गया प्लस प्लस किया आगे बढ़ गया जे प्लस प्लस किया तो जे भी इधर आ गया तो अब नेक्स्ट स्टेप में आई की वैल्यू जीरो नाउ कंडीशन चेक हुई है 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 क्या true है. And J less than S2 है क्या ये भी true है. तो लूप के अंदर आया ए आर वन का आई लेस देन है क्या एर टू के जे से एर आर वन का आई मतलब ए आर आर वन का जीरोक्स दैट इज टू और ए आर टू का जे मतलब ये हो गया थ्री हमारे पास में तो ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई गाइज है ना ये कंडीशन ट्रू हो गई ट्रू होगी तो एर आर थ्री के पे क्या डाल दिया एर आर वन का आई तो एर आर वन का आई क्या था अपने पास में एरर आर वन का आई था हमारे पास में पांच ओ सॉरी गाइज ये कंडीशन फॉल्स हो रही है नहीं ये कंडीशन ट्रू हो रही है ठीक है जीरो इंडेक्स पे से वैल्यू आएगी सो तो दिस विल बी ट्रू ठीक है गाइज

कंपेयर हुआ less than है क्या एर आर टू के जे से एर आर टू के जे पे क्या पड़ा आपने पास तीन ये कंडीशन फॉल्स हो गया एल्स में गया एर आर थ्री के जे डाल दिया तो यहाँ पे ए आर आर थ्री के सेकेंड इंडेक्स पे क्या आ जाएगा ए आर टू का जे दैट इज थ्री नाउ के एक पोजिशन आगे और जे भी एक पोजिशन आगे चला गया तो इस बार गाइज क्या हो गया इसके बाद में हमारे पास हो गया आई बराबर वन ही है जे बराबर हमारे पास टू हो गया है के बराबर हमारे पास थ्री हो गया राइट? Hmm. फिर से चेक हुई, I less than S1 है क्या टू है, है है। क्या, ये भी है. तो एर आर टू के जे से एन का आई मतलब ये वाला दैट इज फोर अगेन ये वाली कंडीशन फॉल्स हो रही है तो कहां जाएगा एल्स पार्ट में आएगा एर आर थ्री एर थ्री के पे क्या असाइन कर देगा ए आर आर टू का जे तो ए आर आर थ्री के, के, के बढ़ जाएगा जाएगा से से भी बढ़ जाएगा एक से, तो आई की वैल्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास फोर ओके सो के भी आगे आ गया नाउ फिर से कंडीशन चेक हुई है एंड जे लेस देन एस टू है क्या ये भी ट्रू है फिर से अंदर आया ए आर आर वन का आई दैट मीनस फाइव है ना छोटा है क्या आर टू के जे से ए आर टू का जे क्या है हमारे पास में छ है राइट right? भी एक आगे जा चुका था तो आर यह कंडीशन ट्रू हुई तो एयर आर थ्री के, के, के पे क्या आ जाएगा एर आर वन का आई आ जाएगा तो यहां पे हमारे पास आ गया फाइव अब के एक आगे बढ़ेगा आई भी एक आगे बढ़ेगा आई चला जाएगा दो नंबर इंडेक्स पे ठीक है अब फिर से चेक हुआ

ए आर आर वन का आई छोटा है एर आर टू के जे से बिल्कुल है क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ा है अपने पास ए आर आर वन के आई पे पड़ा है छः ए आर आर टू के जे पे क्या पड़ा है हमारे पास सात तो अंदर आया ए आर आर थ्री क्या डाल दिया एर आर वन का आगे चला गया आई एक आगे बढ़ गया आई भी आगे चला गया आई इधर आ गया अभी ठीक है, है अंदर आ गया एर आर वन का आई लेस देन है क्या ए आर आर टू के जे से

इस बार ये कंडीशन जो है ट्रू हो गई अंदर आ गया एरर आर वन का आई छोटा है एर एरर टू के जे से एरर आर वन के आई पे क्या पड़ा गया नाइन पड़ा है एरर आर टू के जे पे क्या पड़ा है एट पड़ा है ये कंडीशन फिर से फॉल्स एल पार्ट में गया एरर आर थ्री के पे के क्या डाल दिया एरर आर टू का जे दैट इज एट ठीक है गाइज नौ के प्लस प्लस हो गया के एक पोजिशन आगे और जे प्लस प्लस हो गया जे एक पोजिशन आगे तो अब J कहां गया गया? जे कहाँ पहुंच गया गाइज छे पे ना ये नीचे वाला मैंने नहीं लिखा है बट आप समझ रहे हैं। जे बराबर कहाँ पहुंच गया अब अपना पे, तो तो ये condition तो true है, है, की, लेकिन जे than S2 नहीं है। इस वजह से condition false हो लूप से हो गई, बाहर आ गया। अब देखो जे जो था वो एस टू के बराबर हो चुका है That means अब second array के तो कुछ नहीं बचाया उसके सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं लेकिन फर्स्ट एरे में एलिमेंट अभी भी बाकी हैं तो चेक हुआ आई लेस देन एस वन है क्या ये वाले लूप पे आ गया आप कंडीशन ट्रू है ए आर आर थ्री के K पे क्या डाल दिया ए आर आर वन का आई सो आई की लास्ट वैल्यू क्या थी गाइस अपने पास में थ्री थी तो थर्ड इंडेक्स की जो वैल्यू थी नाइन वो यहाँ पे आ गई अब की एक पोजिशन आगे जाएगा और आई भी एक पोजिशन आगे जाएगा तो आई पहुंच गया अपना चार पे इस बार इस वाले एलिमेंट पे नौ आई लेस देन एस वन है क्या ट्रू है क्योंकि एस वन पाँच था अपना लूप के अंदर आ गया एरर आर थ्री के के पे क्या डाल दिया ए वन का आई तो ए आर आर थ्री केन का आई यानी के चौथे आई की वैल्यू हो जाएगी इस बार हमारी 5. K plus plus हुआ K की वैल्यू हो गई हमारी ग्यारह नाउ कंडीशन चेक हुई लूप से बाहर आ गया अब देखो अब फर्स्ट एरे में चूंकि एलिमेंट बचे थे के अंदर अब नहीं बचे हैं तो जे लेस देन एस टू आएगा यहाँ पे गाइज इसको भी करेक्ट कर देंगे हम जे लेस देन एस टू कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप अपना चलना बंद हो जाएगा अच्छा जो कोड है ना बाई चांस यहाँ पे एग्जाम्पल ऐसा बन गया था ये कि एस टू के अंदर वैल्यूज थी इस वजह से इसने दिक्कत नहीं करी है ना यहाँ पे जे लेस देन एस टू होगा एक तो ठीक है इट्स ए ह्यूमन एरर नाउ कंपाइल एंड रन कर लेते हैं एक बार इसको और वैल्यूज़ को चेंज करके देख लेते हैं एक तीन चार छः सात आठ ही डालते हैं यहाँ पे ग्यारह की नीड नहीं है हमें और यहाँ पे वैल्यूज़ कर देते हैं एक नौ चौदह छब्बीस सतावन इक्यासी और यहाँ पे हम कर देते हैं आ, बीस पच्चीस थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन और यहाँ पे हम कर देते हैं वन वन फाइव टू वन फाइव हम इसको कंपाइलिंग रन करके देख लेते हैं सो वन नाइन फोर्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन फिफ्टी सेवन एटी वन टू वन फाइव सो परफेक्टली वर्किंग तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो मर्जिंग का प्रोग्राम है ये आपको समझ आया होगा फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस